तो ओह क्लिक कर दिए है हाँ ना हमें भी जानना है साढ़े छः हज़ार रुपये में भाई तूने कहाँ से आर ओ जी परचेज कर लिया हमें भी दिलवा दे वैसे भी आजकल साढ़े छः हज़ार में मिलता ही क्या है ना तो देखो मैं एक गाली मत देना हमने मारना तो बिल्कुल नहीं ठीक है मैंने छोटा सा क्लिक बैट किया है यहाँ पर <laughs> अब क्लिक बैट हाँ हाँ वो तो हमें पता ही था तो पूरी बात सुन लो क्लिक बैट इन देंस आर ओ जी टू तो मैंने एक्चुअली लिया है साढ़े छः हज़ार का ही लिया है बस क्लिक आई मीन कैच ये है कि ये जो डिवाइस था ये मेरे पास ही पड़ा हुआ था तो साढ़े छः हजार मैंने कैसे परचेज किया इसका डिस्प्ले बनवा के यानी ये आर ओ जी फोन टू वो आर ओ फोन है जिसको मैंने सबसे पहले परचेस किया था मैं आप लोग के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको चीज़ें कुछ क्लियर कर दूँ ये जो आर ओ फोन मेरे हाथ में आप देख रहे हो आर ओ जी फोन टू ये वो आर ओ फोन है जो लिटरली मैंने फर्स्ट सेल फ्लिपकार्ट में परचेज किया था हाँ उसके बाद इस फोन का डिस्प्ले टूटा था तो मैंने उसका वीडियो भी बनाया था फिर उसके बाद इस फोन का जब डिस्प्ले सेकेंड टाइम टूटा तो मैंने इसको रिपेयर नहीं किया और ये फ़ोन लगभग मेरे पास मेरे घर पे डेढ़ साल से स्विच ऑफ करके पड़ा हुआ था एंड मैंने सोचा कि क्यों ना कहीं से इसका डिस्प्ले अरेंज करके इस फोन को वापस जिंदा किया जाए हेलो सर मेरा नाम है राहुल आप सभी का स्वागत है महासम के चैनल पे वीडियो की शुरुआत करते हैं देखिए इस फोन के डिस्प्ले को बनाने के पहले मेरे पास काफी ज्यादा रिस्क फैक्टर भी था साढ़े छह हजार रुपए मेरे डूब भी सकते थे उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैंने इस फोन को पहली बार तो जब चार्ज में लगाया तो ये फोन स्टार्ट हो गया मैंने अपने सिम कार्ड को इसके अंदर डाला एंड उसके बाद तो मैंने उसमें कॉल करने की ट्राई की तो कॉल भी नहीं लग रहा था तो यानी कि फोन तो चालू हो रहा है पर शायद इसके सिम कार्ड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे थे दूसरा क्या इसकी बैटरी लाइफ अच्छी होगी नहीं काफी सारी चीजें थी बट मैंने बोला कि क्यों ना एक बार ट्राई कर लिया जाए फिर काफी जगह मैंने ढूंढने के बाद ऑनलाइन में आठ हज़ार कोई दस हज़ार कोई दो हज़ार का डिस्प्ले दे रहा था एंड मुझे लग रहा था नाइन्टी नाइन परसेंट में सब स्कैम है मैंने अपने नियरली जो है शो मोबाइल शॉप्स वाले होते हैं उनको जाके कॉन्टेक्ट किया एंड फाइनली मेरे घर से दो किलोमीटर दूर एक शॉप में मुझे इसका डिस्प्ले मिल गया एंड उन लोग क्लेम करते हैं कि भाई हम ओरिजिनल डिस्प्ले ही बिठा रहे ऑल दो आई एम नॉट श्योर डिस्प्ले मेरा फाइनली लग गया था एंड उसके बाद डिवाइस मैंने फर्स्ट बूट भी कर लिया बस एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था ये फोन जो था मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि एक डेढ़ साल से पड़ा हुआ था तो उसके पहले ये डिवाइस को मैंने रूट कर दिया था तो टी डब्ल्यू आर पी इसमें इंस्टॉल था तो मुझे टी डब्ल्यू आर पी का पासवर्ड भी याद नहीं था ना ही इस फोन का पासवर्ड याद था तो मैंने एक्सीडेंटली टी डब्ल्यू आर पी के मदद से फोन के इंटरनल स्टोरेज को ही वाइप कर दिया अब वाइप इन देंस वो वाइप नहीं मैंने इंटरनल स्टोरेज यानी कि इसके पूरे यू आई को ही उड़ा दिया फिर मैंने मल्टीपल यू इसमें डालने की कोशिश की यानी कि इसके ऑफिशियल स्टॉक रोम को डालने की कोशिश की मेरे से हुआ नहीं तो मैंने सामने से एक शॉप पर जाके वापस छह सौ रुपए का प्रॉब्लम फिक्स कर लिया अब सब कुछ इस फोन में सही था मैंने सिम कार्ड डाला एंड सिम कार्ड परफेक्टली वर्क कर रहा था सब कुछ सही चल रहा था गेम पबजी नाइन टी एफ ऑफिशियली इसमें मिल रहा था बट एक छोटा सा अभी प्रॉब्लम फिर से आ गया नया वो ये है कि इस फोन का फ्रंट कैमरा चालू नहीं हो रहा है मैं फ्रंट कैमरा पे? पे क्लिक करूंगा तो भी बैक कैमरा पे स्विच रहता है हमेशा अब बात करते हैं कि आर ओ जी फोन टू दो हज़ार चौबीस में सही रहेगा कि नहीं देखिए डिपेंड ऑन योर प्राइस अगर ये डिवाइस आपको अंडर टेन थाउजेंड मिल जा रहा है तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छा प्राइसिंग कंसिडर किया जा सकता है सबसे बड़ी बात आर ओ जी फोन टू में आपको जो इसकी बिल्ट है ना ये पूरी की पूरी एलूमिनियम विद ग्लास का डिजाइन मिल जाता है आर ओ जी फोन टू में आपको बैक में कॉर्डिन गोरेगा ग्लास थ्री का प्रोटेक्शन फ्रंट में कॉर्डनिंग गोरा ग्लास सिक्स का प्रोटेक्शन मिल जाता था लेकिन अभी डेफिनेटली मैंने यहाँ पर जो डिस्प्ले बिठाया तो आई एम नॉट श्योर ये ओ भी है या नहीं लेकिन है ये एमुलेट मेरे फिंगरप्रिंट एंड ऑल काफ़ी परफेक्टली वर्क कर रहे हैं ठीक है थीके? एक बात है दूसरी चीज मैंने जब इसके एक्सपीरियंस किया तो मुझे इसे डिस्प्ले में कुछ क्वालिटी में फ़र्क नहीं पता चला ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि मेरे इसमें कोई डुप्लीकेट डिस्प्ले बैठा हुआ है तो काइंड ऑफ कंटेंट एंड ऑल जब मैं देख रहा हूँ एच डी सब काम कर रहे तो आई काइंड ऑफ फीलिंग की डुप्लीकेट भी होगा बट फर्स्ट कॉपी होगा आई I मीन mean, अच्छा वाला क्वालिटी का ही डिस्प्ले है ये सो so, यहाँ पर करेंटली इसमें लास्टली एंड्रॉइड 11 चल रहा है इसमें 10 चल रहा था ऑफिशियल मानने के बाद फिर मैंने वेबसाइट में जाके डाउनलोड करके हमने वापस अपडेट कर लिया इलेवन पे एंड इलेवन पे इसकी परफॉर्मेंस इस काइंड ऑफ गुड इसमें आपको स्नैपड्रैगन एट प्लस मिल जाता है स्लाइटली ओवर वर्जन है एट का उसी के साथ इसमें आपको यूएफएस 3.0 एंड एल पी डी डी आर फोर एक्स का सपोर्ट मिल जाता है अब देखिए ये कॉम्बिनेशन जो है ना काफी पुराना है वैसे ये सेवन एन एम बेस्ट है एट फिफ्टी फाइव प्लस की बात करूँ तो मैंने इसमें जब डेली यूजेस किए तो एक है कि यार इस रेंज में दस हज़ार में आपको इस तरह का परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली किसी भी बजट फोन से आप उम्मीद भी नहीं लगा लगा सकते ये एकदम स्मूथ चलता है आई मीन ऑब्वियसली इसमें आपको हाई रिफ्रेश डिस्प्ले मिल जाता है वन ट्वेंटी हर्ट्स का तो इसको जब भी आप सेट कर लोगे तो आपके जितने भी ऑफिशियल एप्स है इंस्टा फेसबुक है सबके सब मस्त चलते हैं वन ट्वेंटी में अब जहां तक बात है बीजेएमआई की तो इसमें फिलहाल बीजेएमआई नाइनटी एफ ऑफिशियल सपोर्ट आपको मिल जाता है एंड मैंने इसमें गेम प्ले करके देखे काफी लंबा मैंने गेम प्ले किया जब से ये फोन ला लाया हूं मैं तब से गेम प्ले कर रहा हूं अब देखिए अगेन अंडर टेन थाउजेंड वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ स्मार्टफोन विद अनेबल नाइनटी एफ ऑप्शन ठीक है तो आर फोन टू में आपको नाइनटी एफ मिल जाता है बट ये बहुत मुश्किल है आई I मीन mean, इसमें एफ काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होते हैं और अभी के टाइम पर मेरी लॉबी थोड़ी हाई है जब मैं हॉट ड्रॉप लेता हूँ सो so, कभी कभार मुझे 27 से लेके 30 एफ तक ड्रॉप जाता है एंड मैक्सिमम टाइम पे जब भी मेरे आसपास पांच छह बंदे भी हो गए ना तो भाई इसमें आपको एफ जो मिलेगा वो लगभग 40 से लेके 60 के बीच में ही मिलता है इट्स वेरी रेयर चांस कि कभी ये डिवाइस जो है आपको 80 90 एफ देता है बहुत कम टाइम पे जब कोई नहीं है आपके आसपास है ना आप नॉर्मल अकेले हो पूरे लॉबी में एरिंगल में तो वहां पर आपको नाइनटी एफ से निकाल देता है बट जैसे ही जरा भी बंदे आसपास हो गए तो भयंकर लैग होता है लैग भी कैसा पहले लैग होगा थर्टी फाइव एफ पी एस तक कभी कभार ट्वेंटी फाइव एफ पी एस तक भी लैग होगा उसके बाद फिर वापस वो रिकवर करता है टू फोर्टी से लेके सिक्सटी एफ पी एस तक सो so, देखिए गेमिंग के लिए मैं डेफिनेटली इसको रिकमेंड तो नहीं करता लेकिन हाँ अंडर टेन थाउजेंड अगर आपको आर ओजी फोन टू मिल रहा है तो इसमें बुराई कुछ नहीं है आपको ऐसा फोन आई I मीन mean, ऐसे परफॉर्मेंस के साथ अंडर टेन थाउजेंड कहीं नहीं मिलने वाला दूसरी चीज हीटिंग इशू भी काफी ज्यादा है वाइल्ड गेमिंग काफी ज़्यादा हीट करता है ठीक है अब देखिए ये एक फ्लैगशिप फोन है इशू की तरफ से आई मीन फ्लैगशिप गेमिंग फोन इशू की तरफ से तो आज भी इसके कुछ कुछ चीज़ें ना आपको दिख जाती है जैसे इसमें जो आपको वाईफाई रेंज मिल जाता है यानी वाईफाई वर्जन मिल जाता है वो 802 का मिल जाता है मेरे पास मैक्सिमम जितने भी फोन है घर पे जो आ, बेट रेंज में आते हैं लाइक बीस से तीस हजार के बीच में बीच में उनमें ना जिस मेरे बेडरूम में बैठ के जब मैं फोन यूज करता था ना वहां पर ना वाईफाई का रेंज आता नहीं है उड़ जाता है चला जाता है पकड़ता ही नहीं है लेकिन आर ओ जी फोन टू में आज भी मैं उस कॉर्नर पर बैठ के वाई का फुल रेंज का एंजॉय कर पाता हूँ ठीक है ये तभी पॉसिबल है बिकॉज ये एक फ्लैगशिप फोन था आरोजी की तरफ से उसके साथ ही साथ दोस्तों इस फोन की एक और बहुत ही अच्छी बात जो मुझे लगती है कि इसके डुअल स्टीरियो स्पीकर इज जस्ट वेरी लाउड आज भी इसके डुअल सी स्पीकर को आप इजीली कंपेयर करोगे ना तो अच्छे अच्छे फोन जैसे पचास साठ हज़ार के फोन में भी ऐसे स्पीकर नहीं मिलते हैं हाँ हाँ भाई तेरी बात कर रहा करो अब जहां तक बात है कैमरा सेक्टर की तो इसमें आपको प्राइमरी फोर्टी एट मेगा वाइड एंगल तेरह इन फ्रंट कैमरे के बारे में मैं बात नहीं कर सकता ऑन ही नहीं हो रहा है भाई बट इसका मेन वाइड एंगल और प्राइमरी कैमरा की आउटपुट की बात करूँ तो दी आर डिसेंट इनफ एच डी आर एन ऑल बहुत ठीक ठीक काम करते हैं अभी के फोन की तरह इतना एग्रेसिव नहीं काम करते नॉर्मल फोटो से निकालते हैं हल्का फुल्का एच प्रोसेस करते हैं सो ओवरऑल इसका डिसेंट कैमरा है बट अंडर टेन थाउजेंड खरीदते तो ठीक है मतलब थोड़ा उस रेंज में तो आपको उससे बेटर कैमरा ये प्रोवाइड करता है बट ओवरऑल इट्स अ वेरी डिसेंट कैमरा ज्यादा कुछ बोलना नहीं गेमिंग फोन में कैमरास के बारे में बाकी मैंने बताया नहीं आपको तो शायद बता दू की ये एक फुल एच डी डिस्प्ले है 600 के पीक ब्राइटनेस के साथ एंड वहीं पर इसका जो डिस्प्ले साइज है वो 6.78 इंच का आता है सो इट्स अ वेरी बिग डिस्प्ले एंड गेमिंग फोन में इतना बड़ा डिस्प्ले होना अच्छी बात है एक एक चीज है छोटे मोटे जो मैं आपको बताऊं तो वो बहुत ही अच्छे जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके जो मोटर है इसमें आपको हेप्टिक है, फीडबैक्स मिल जाता है बहुत हाई क्वालिटी आपको वाइब्रेशन मिलेगा और ये सब छोटे छोटे चीजें जो है जो मोस्टली गेमिंग फोन में आपको मिलते हैं सो so इसमें वो सारी चीजें बहुत ही मस्त है बाकी मैंने इसमें एक और चीज बहुत नोटिस किया वाइल्ड प्लेइंग बीजेम इसका जो जायरो है ना वो आज के फोन जैसे जायरो इसमें मिलता है फोर एक्सेस जायरो काफी एक्यूरेट जायरो है आई मीन I mean, सच बताओ अभी कुछ कुछ गेमिंग फोन में इतने एक्यूरेट जायरो भी नहीं मिलते जितना आरओजी फोन टू में मुझे मिल रहा था अपार्ट फ्रॉम प्रोसेसर

मीडियम uh, मिल जाता है वरना इसका बैटरी चार हज़ार होता है ना तो आज के डेट में इसकी बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा वीक होती है ऑब्वियसली मैंने अब तक इसकी बैटरी चेंज नहीं की है पुरानी बैटरी चल रही है तो मुझे एक पूरा दिन ये मीडियम यूजेस में दे देता हैवी है यूजेस करूंगा तो मुझे फोन को दो बार चार्ज करना पड़ेगा ठीक है एज सिंपल इज दैट लेकिन मैं क्या करता हूँ जब भी गेम खेलता हूँ ना तो मैं ऊपर ऊपर जो है हमारा वहाँ पर एक वो चार्जर कनेक्ट कर देता हूँ हमारे ऊपर टॉप पे तो ये अपना मस्त चार्ज भी होता रहता है तो और अपना गेम भी खेलता रहता है तो। इससे मुझे बैटरी से ना फोन तो से इतना कुछ प्रॉब्लम है नहीं सो so, लास्टली क्या मुझे टेन थाउजेंड के अंदर आर फोन टू अगर मिल रहा है तो ले लूँ तो देखिए मैं आपको सिंपल बताऊँ कि अगर आपको फोर फोन चलता है तो आप ले सकते हो अगर आपको 5G जी चाहिए तो फिर यहाँ पर ये यह बात खत्म हो जाती है बट 4G फोन में भी आर ओ जी फोन टू एक अलग लेवल का फ्लैगशिप फोन है यानी अपार्ट फ्रॉम इट्स कैमरा ओवरऑल आर ओ जी फोन टू पूरे फ्लैगशिप हार्डवेयर के साथ आता है जैसे इसके मोटर्स हो गए वो काफी प्रीमियम है इसके वाई फाई रेंज ब्लूटूथ वर्जन ठीक है इसका डिस्प्ले हो गया इसका गेमिंग हो गया ठीक है इसके हार्डवेयर हो गए बहुत ज्यादा ही फास्ट है स्पेशली इसके आर जी बी लाइटनिंग ऑफ भूलेगा नहीं लाइटनिंग इस फोन को लुक एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल देता है। अगर इसको आप सेट भी करके बार बार जाके यूज करोगे ना लोग पलट के देखेंगे भाई ये कौन सा फोन है इसमें ये लाइट क्यों चल रहा है ठीक है ये एक चीज है एंड अभी के जी फोन तो पता है ना भाई एक एक लाख के आ रहे तो भाई छोड़ दो जी का एक स्वाद लेना है ना एकदम टेस्ट हल्का सा तो आरोजी मस्त है उम्मीद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे जरूर से बताना एंड uh, अगर आपको आरओ फोन टू चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो वैसे भी मैं सोच रहा हूँ उसको बेचने का लेकिन हाँ मैं इसकी प्राइसिंग लगभग जो है एट के आसपास रखूंगा इंक्लूडिंग कुरियर सर्विस कुरियर चार्ज सो मिलता है अगले वीडियो में टेक केयर ध्यान रखिएगा बाय